रिकॉर्डिंग को लगा देते हैं, वह सो देखा जाएगा, वीडियो खराब हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा 10th क्लास के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनको हम आज की पीडीएफ में लेकर आए हैं। देखिए, आज के क्वेश्चंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होने वाला है, जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास मिस ना करिएगा, रेगुलर बने रहिएगा। हम पर डे आपको शाम को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर देते रहेंगे और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ। देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस को कुछ तैयार किया हुआ है आपके लिए, तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द फाइंड ऑफ द वैल्यू ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि आपको जो अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमें बताना है। देखिए, यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। ओके, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस दिया गया है और क्वेश्चन में क्या है, कहा गया है कि अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल के जो अल्फ़ा बीटा हैं वो जीरोज हैं। क्या है, अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नाउ यहाँ पर हम देख लेते हैं, वी कंपेयरिंग दैट के आपके सामने जो इक्वेशन है उसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से आप कंपैरिजन कराइए, सी से आप इसका कंपैरिजन कराइए। मैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, ओके, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ पेन की। तो देखें, यहाँ जब मैं इसकी कंपैरिजन कराऊँगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वायर, ए की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 5 एंड बी की वैल्यू जो मिलेगी मुझे 5 एंड सी की जो वैल्यू मिलेगी वो 1। ओके, तो यहाँ पर देखूंगा मैं, जब मेरे पास अल्फ़ा बीटा मैंने जीरो कह रखे हैं, क्या कह रखे हैं, जीरो कह रखे हैं किस पॉलिनोमियल के, तो करना यहाँ पर ये होगा कि जो अल्फ़ा बीटा आपको जीरो कह रखे हैं आपने करना क्या है कि सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगा देना है। जब सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगा देना है, जब आप सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर होता है माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए आप लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर जब माइनस बी अपॉन ए लगाएंगे तो माइनस बी अपॉन ए जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू मिलेगा माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर 5, ए की वैल्यू है ये, तो आपने लगाया 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, इट मीन्स 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको माइनस का 1, ओके, माइनस का 1। नाउ सेकेंड कंडीशन होगी यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करेंगे तो सी अपॉन ए होगा, सी अपॉन ए होगा, इट मीन्स अल्फ़ा बीटा आर द प्रोडक्ट थे, दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा सी अपॉन ए, यानी 1/5, क्या मिलेगा, 1/5, ये आपको जो मिला वो है सम ऑफ जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या मिला, सम ऑफ जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्लियर, सम ऑफ जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी हैं। अब आपको करना ये है कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको करेंगे क्या, देखिए जो सम ऑफ जीरो है आपको करना ये है उसी का स्क्वायर कर देना है। ओके, यहाँ पर है सम ऑफ जीरो है अल्फ़ा प्लस बीटा ओके इक्वल टू है माइनस का 1, आपको क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। मैंने दो टू साइड इसका स्क्वायर किया तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, स्क्वायर करने पर आपको यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर मिलेगा। ओके, जब आप माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो यहाँ मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ओके, यहाँ पर 2 अल्फ़ा बीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा माइनस 1 का 1, क्या मिलेगा, 1। ओके, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 2 अल्फ़ा बीटा है तो मैं यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/5 लगा सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 - 2 इंटू 1/5, 1/5 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मैं यहाँ से नो डाउन कर सकता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पर किया तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
और मैंने यहाँ पर देखा इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, क्या आएगा, 5 - 2/5, इट मीन्स 3/5। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 3/5। ये होगा आपका आंसर। ओके, ये बड़ा ये आपका आंसर होगा, बहुत ही इजी वे में आप इसे निकाल सकते हैं यदि आपने क्लासेस ली हैं तो। प्रॉपर आप क्लासेस लेते रहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखिए, एक नोट डाउन कर लीजिए कि एग्ज़ाम में आने ही वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर हालत में एग्ज़ाम में मिलेगा, एग्ज़ाम आपको सेकेंडों में निकालना है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल दिया गया है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। देखिए बेटा, जब यहाँ पर आपको पॉलीनोमियल दिया ही गया है तो आप यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर करेंगे क्या कि आप इसकी वैल्यू को देखेंगे, क्या देखेंगे, इसकी वैल्यू को देखेंगे। देखें क्या वैल्यू है, ये वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, जबको आपको दिया गया है कि एक पॉलीनोमियल है, ये एक पॉलीनोमियल दिया गया है और कहा गया है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ओके, एक कंडीशन भी दी गई है कि इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि क्वेश्चन मिले ऐसा पकड़ लो उसको और कंपैरिजन करवा दो उसकी। जब कंपैरिजन करवाएंगे तो देखिए डेमो इक्वेशन, कंपेयरिंग वाइड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, ओके, कंपेयरिंग बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, बी एक्स प्लस सी। जब आपने कंपेरिजन किया यहाँ पर तो ए की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो मिलेगी 6, बी की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 1, एंड सी की जो वैल्यू मिलेगी वो -2 मिलेगी, क्या मिलेगी, -2 मिलेगी। ओके, जब आपको ए बी सी की वैल्यू हो गई तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो कहेंगे, क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरो। जब आप सम ऑफ जीरो की बात करेंगे तो -b/a ये फॉर्मूला होता है, सम यानी ऑफ जीरो, जीरोज अल्फा बीटा हैं, जीरो क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, -b की वैल्यू है -1, a की वैल्यू है 6, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया c/a यानी -1/6, क्या हुआ, माइनस का 1/6। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जब मैं बात करूँगा तो प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a, क्या होता है, c/a, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा, c है आपके पास -2 और a है आपके पास 6, ओके, 2 से ये गया 1 टाइम तो ये आ गया आपके पास -1/3, क्या आया, -1/3, अल्फा बीटा इक्वल टू -1/3, दैट इज आंसर। ओके, देखिए ये दोनों वैल्यू आपको मिली, अभी बस इतने से काम नहीं चलेगा बेटा, इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम चल जाता तो फिर क्या बात है, अभी काम चलेगा इससे। देखिए आपको यहाँ पर बताना क्या है, आपको यहाँ पर बताना है कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, यानी कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, यहाँ पर निकालनी वैल्यू है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। ओके, जब बेटा मैंने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो ये मिलेगा मुझे बीटा अल्फ़ा, एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा बीटा से बीटा कैंसिल आउट, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर यहाँ पर होगा। अब तो क्वेश्चन बहुत ही अट्रैक्टिवल हो गया, जब क्वेश्चन बहुत ही अट्रैक्टिवल हो गया तो आंसर भी अट्रैक्टिवेशन के साथ मिलना चाहिए आपको, राइट ना, अट्रैक्शन के साथ आंसर मिलेगा। तो देखो इसका आंसर हमें देना है, यानी कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो आपको पता है, बट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, और दैट इज आंसर हो गया, एक ही सेकेंड में आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इसको स्क्वायर कर दीजिए सर भाई, क्या, पिछले क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था कि इसको स्क्वायर करना, सिर्फ जब आपने इसको स्क्वायर कर दिया तो देखो मैं यहाँ पर करता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूँगा इधर, तो यहाँ पर मिलेगा 1/36, क्या मिलेगा, 1/36, और इसका स्क्वायर किया अल्फ़ा स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1/36, और जब ये वैल्यू हुई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 2 × 1/3, वो भी माइनस का, ओके, वो भी माइनस का, तो मैंने क्या किया 1/36 यहाँ रखा, और इस पूरी वैल्यू को इस साइड ले लूँगा तो ये मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2/3 इक्वल टू 1/36, और जब मैंने इस वैल्यू को इस साइड ले लूँगा, इस वैल्यू को इस साइड ले लूँगा तो यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको
देखें क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत दे गया भाई, तो देखें क्या मिलेगा। कोई नहीं, चलो देखते हैं यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी फिर आपको। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी देख लेते हैं। इस वैल्यू को जब आप इधर लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये मिलेगा 1/36 प्लस 2/3, ये वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। और अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको किसी की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और आपका आंसर आपके पास आने वाला है। देखिए यहाँ पर आएगा 36 और यहाँ 36 प्लस 1 यहाँ आएगा 12 टाइम गया 24 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 25/36, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, उठाकर इसमें रख दीजिए, आंसर सेकंडों में मिल जाएगा। कैसे रखेंगे, मैं इस कॉर्नर में कर दे रहा हूँ भाई, यहाँ इस कॉर्नर में कर दे रहा हूँ, स्पेस वहाँ पर बचा नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसका आंसर को लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, क्या है इसका आंसर, देखें यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है आपके पास सामने 25/36। ओके, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर की, अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो है माइनस का 1/3, इससे ये 12 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा आपका दिस बाय दिस, क्या आएगा दिस बाय दिस, यानी कि 25/12, क्या आएगा 25/12 इसका आंसर आएगा, वो भी माइनस का, वो भी माइनस का। ओके, ये है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम ऑफ हूज जीरो इज जीरो एंड 10 इज 5। उसने क्या कहा है, क्वेश्चन को समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। उसने कहा सम ऑफ जीरो, यानी कि सम ऑफ जीरोज ऑलवेज जीरो है, यानी कि सम ऑफ जीरो, यानी जिसका सम जीरो है वो पॉलीनोमियल बताइए जिनके जीरोज का सम जीरो है, जिनमें से एक आपके पास है फाइव, आपके पास क्या है फाइव है। देख लेते हैं, ओके लेट, मैंने मान लिया, लेट मैंने माना कि अल्फा बीटा, अल्फा मैंने क्या माना कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ओके अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल, प्रॉब्लम, ओके अल्फा एंड बीटा, बीटा आर द जीरोज, जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ओके, जब अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल हैं, तो देखिए यहाँ पर जब अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो इसने क्या कहा सम ऑफ जीरो जीरो है। ओके, तो मैंने कहा सम ऑफ जीरो जीरो है, बट उसने एक कंडीशन और कही है, कंडीशन क्या कही है कि कंडीशन उसने ये कही है कि इसमें से एक आपका जीरो फाइव है। तो मान लीजिए कि मेरे पास जो अल्फा है वो फाइव है, तो बीटा आपके पास जो मिलेगा वो होगा, बीटा होगा माइनस फाइव। इट मीन्स क्या है कि अगर एक एक आपके पास जीरो फाइव है तो दूसरा जीरो आपको माइनस फाइव मिलने वाला है, और दोनों का जो सम मिलेगा वो ऑलवेज जीरो होगा। तो देखिए सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज गिविन है आपके पास जीरो, और जब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखूंगा, एक है आपके पास फाइव, एक है आपके पास फाइव, यानी कि अल्फा फाइव है तो बीटा हो गया माइनस फाइव, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में जैसे ही देखूंगा तो माइनस का 25 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा माइनस का 25 मिलेगा। जब आपके पास ये वैल्यू मिली, जब आपके पास दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं, यानी कि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिल ही चुका है, तो आपको केवल करना ये है इक्वेशन बनाना है और कुछ नहीं। तो इक्वेशन होता है, डेमो इक्वेशन होता है, यानी कि पॉलीनोमियल बनाने के लिए डेमो इक्वेशन होता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, क्या होता है सम ऑफ जीरोज, ओके सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ पर यह होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप इसको रख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, यानी सम ऑफ जीरो आया आपका, क्या आया सम ऑफ जीरो जीरोज है, तो यहाँ पर आएगा जीरो एक्स प्लस आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो है माइनस का 25। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, क्या मिलेगा
एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू पी एक्स, दैट इज आंसर। ओके, दैट इज आंसर। इस तरीके से बहुत ही इजीली वे में आप आंसर्स को निकाल सकते हैं सेकेंडों में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7 फ्रैक्शनाइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशंस ऑफ बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट एंड द पॉलीनोमियल्स। देखिए, दो तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है, शॉर्ट ट्रिक से भी किया जा सकता है, लॉन्ग मेथड से भी किया जा सकता है, बट मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो लॉन्ग मेथड है, जो कि आपके लिए क्वेश्चंस में एग्जाम में मतलब जो है रिजल्ट को इंक्रीज करने का काम करेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक पॉलीनोमियल गिवन है आपको, सिंपल सी बात है, पहले इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला गया है। किस मेथड से किया गया? फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो पहले आपको इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, देन इसकी कंपैरिजन कराकर आपको बताना है कि इसके रूट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, और दोनों तरीके से इसे वेरीफाई करके आपको दे देना है। चलिए देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन है पहला कि 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7। ओके, ये है आपका। अब करना ये है आपको, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले करना ये होता है कि आपको पीछे वाले टर्म को उठाना है, नेक्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 35 आपकी वैल्यू मिलेगी, 35 आपको वैल्यू मिली है, 35 जो वैल्यू मिली है आप करना ये है, 35 जो आपको वैल्यू मिली है उसको करना ये है कि फर्स्ट वैल्यू से आपको देख लेना है कि कौन सा साइन है वहाँ पर, जैसे ये वाला फर्स्ट वैल्यू ये है, तो इससे साइन देख लेना है ये कौन सा साइन है, प्लस का है तो इट मीन्स यहाँ पर प्लस आएगा, एंड ये वाला नंबर देख लेना है, ये है 12। तो आपको करना ये है, आपको करना ये है कि दोनों तरीके से आपको ये चेक कर लेना है कि प्रोडक्ट करने पर तो 35y एंड प्लस करने पर आपको 12y, ऐसे टू डिजिट आपको फाइंड आउट करने हैं। देखिए, ऐसे टू डिजिट फाइंड आउट करिए जिनका प्रोडक्ट करें आप तो आपको 35 मिले, एंड प्लस करने पर आपको 12 मिले, ऐसे टू डिजिट फाइंड आउट कर दीजिए। देखिए प्लस है यहाँ पर, तो इट मीन्स प्लस का साइन है, तो इसका मतलब प्लस करने पर आएगा। ओके, तो देख लीजिए कोई 35 के ऐसे फैक्टर करिए, 57 या 35 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पर 12y, तो 7 और 5 ही ऐसे फैक्टर हैं जिनको आप प्लस करेंगे तो आपको 12 मिलेगा। ओके, राइट ना, देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सिंपल सी बात है, इसे आप ऐसे ही के ऐसे ही लिखेंगे, और जो फैक्टर आ रहे थे 12 के जो फैक्टर थे उन्हें आप इस तरीके से लिखेंगे। ओके, ये इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर 7, इससे कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे आप 5t, एंड यहाँ बचेगा आपका t, और यहाँ बचेगा 1। ओके, यहाँ से आप 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा t प्लस 1। दोनों से आपने देखा तो 5t प्लस 7, एंड यहाँ पर बचेगा t प्लस 1। इट मीन्स क्या है कि यहाँ से आप इसे इजीली कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। देखें, जब मैंने आपको इसको करके दिखाया तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, लैंग्वेज का टाइप करने का दिक्कत आ गया था, तो मैं यहाँ दोबारा से टाइप कर देता हूँ, टी प्लस 1 एंड प्लस 7, यहाँ पर आएगा टी प्लस 1। ओके, ये आ गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया था, 5t प्लस 7 एंड टी प्लस 1, ये आपके फैक्टर हो गए थे। ओके, ये आपके फैक्टर हो गए थे। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो टी इक्वल टू 0 रखेंगे, इस पार्ट के इक्वल में 1 0 रख देंगे, इस पार्ट के इक्वल में 0 रख देंगे, तो इट मींस जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5t इक्वल टू माइनस का 7, टी इक्वल टू माइनस 7/5। ओके, यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी टी इक्वल टू माइनस का 1, जब मैं दोनों के इक्वल में 0s रख दूंगा तो। ओके, नेक्स्ट जो वैल्यू है अब हमें दूसरे टाइप से करना है। दूसरे टाइप से कैसे कर पाएंगे, दूसरे टाइप से करने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ किस तरीके से होगा। देखिए, जब आप दूसरे तरीके से करेंगे तो आपको यहाँ पर करना सिर्फ इतना है कि आपको कंपैरिजन करा लेना है। सबसे पहले इसका क्या करा लेना है, कंपैरिजन करा लेना है, और जब आप कंपैरिजन करा लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इजीली उसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कंपैरिजन कराया किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो मिलेगी क्या, 5, एंड बी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 12, एंड सी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 7। ओके, अब यहाँ पर आपको करना ये है, दोनों का सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो देख लेना है। तो देखिए, सम ऑफ जीरो की बात करूँगा
तो सम ऑफ जीरो होता है, सम ऑफ जीरो होता है क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। ओके, माइनस का बी यानी कि माइनस का 12 अपॉन ए यानी कि 5। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि सम ऑफ जीरो देखना है तो आपको इससे दोनों को प्लस करना है। और जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो माइनस की डिजिट है यानी कि माइनस का 12 अपॉन 5 आएगा और यहाँ पर भी माइनस का 12 अपॉन 5। इट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या मिलेगा, सी अपॉन ए, क्या मिलेगा, सी अपॉन ए। इट मीन्स क्या है, यहाँ से सी की वैल्यू 7 है और ए की वैल्यू है 12, ए की वैल्यू है 12, तो ये भी आपको मिल जाएगा और इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है या आपको कोई समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन के साथ डीप में कंटेंट विद आप एक वीडियो ले सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर। ओके, चलिए देख लेते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज द जीरोज इज 7 एंड द सम ऑफ माइनस 18, यानी कि सम भी आपको दिया गया है एंड जीरोज भी आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 10 इज 7 एंड सम ऑफ 18, सम ऑफ माइनस 18 यानी कि सम दे रखा है ऑलरेडी। तो मैंने यहाँ पर क्या कहूँगा कि लेट का जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, मैंने क्या कहा, जीरोज ऑफ पी एक्स क्या माना मैंने, अल्फा एंड बीटा, मैंने ये दोनों अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज मान लिए। तो मैंने कहा क्या कि इसमें से उसने कहा कि एक जीरो आपके पास 7 है, एक जीरो क्या है 7 है। तो मैंने यहाँ कहा जब एक जीरो 7 है तो मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा का जो उसने दे रखा है, सम दे रखा है माइनस 18, क्या दे रखा है माइनस 18, जब सम आपको दे रखा है माइनस का 18 और उसने ये कहा एक जीरो 7 है तो दूसरा जीरो क्या मिलेगा, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, दूसरा जो जीरो मिलेगा वो मुझे मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का 25, क्या मिलेगा माइनस का 25। एक जीरो आपके पास है 7 एंड दूसरा जीरो आपको मिला माइनस का 25। तो अब आपको निकाल लेना है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्वेश्चन हो गया, पॉलीनोमियल बता दीजिएगा। ओके, देखें जब सम ऑफ जीरो की बात करेंगे तो सम ऑफ जीरो तो आपके पास क्या है माइनस का 18, क्या है माइनस का 18 यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 18। ओके, अब यहां पर देखा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या देखा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करूंगा तो सी अपॉन ए, क्या सी अपॉन ए, जब आपके पास सी अपॉन ए है ऑलरेडी तो देखें इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होने जा रहा है वो आप मुझे बताइएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए यानी कि प्रोडक्ट, अभी सी और ए तो हमारे पास है ही नहीं है क्योंकि पॉलीनोमियल ही नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी जीरोज का प्रोडक्ट आप कर लेंगे, क्या कर लेंगे जीरोज का प्रोडक्ट कर लेंगे, सी अपॉन ए को हटा देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे तो जीरोज का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 7 प्लस का है 7, तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, 7 जब आपके पास प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का 18 तो आपके पास नेगेटिव है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको मिलेगा 56, 7 8 56 एंड 7 1 7 एंड 12। ओके, ये आपके पास मिलेगा, वो भी माइनस का नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अब आपको करना ये है कि इसमें आपको पॉलीनोमियल वाला फॉर्मूला लग देना है जिससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो बोलते हैं। तो देखें पी एक्स इक्वल टू जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, क्या देखें सम ऑफ जीरो। ओके, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो यहाँ पर आप देखेंगे सम ऑफ जीरो एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरो है आपके पास माइनस का 18, तो यहाँ माइनस का 18 और यहाँ पर आप लगाएंगे ब्रैकेट। ओके, क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरो, तो यहाँ पर आपके सामने है सम ऑफ जीरो, तो यहाँ पर माइनस का 18 एक्स प्लस, ओके प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि माइनस का 126। जब आपने इस ब्रैकेट को ओपन करना है
तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 126, दैट इज आंसर। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ये 18 है भाई, इसे आप गलत नहीं समझेंगे, ये 18 है, तो आप यहाँ 18 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 18, ओके, ये है 18 है ये, ओके, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, अपना 7 या 5th है जो भी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ VV डाल लीजिएगा, क्योंकि ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस वन माइनस सी, सो दैट द अल्फा यानी ए प्लस वन एंड बीटा प्लस वन, यानी अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, वन माइनस सी। यहाँ है देखिए, यहाँ पर अल्फा है ये और यहाँ पर बीटा है, यानी अल्फा बीटा है, तो आपको ये प्रूव करके देना है। क्या रिजल्ट प्रूव करना है, मैं रिजल्ट को यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ, रिजल्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिजल्ट दे रखा है उसने, ये कहा है कि अल्फा प्लस वन ब्रैकेट क्लोज बीटा प्लस वन, ओके, बीटा प्लस वन, अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन, ओके, अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन इक्वल टू आपको वन माइनस सी प्रूव करके देना है, ये प्रूव करके देना है, जबकि आपके पास पॉलिनोमियल ये है, देखिए सिंपल सी बात ये है, आपके पास पॉलिनोमियल है और मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से सॉल्व होगा, आपको भी कोई आइडिया नहीं होगा किस तरीके से सॉल्व होगा, बस आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे, आपको कंपैरिजन ठोक देना है, क्या कर देना है, कंपैरिजन ठोक देना है, जैसे ही आप कंपैरिजन ठोकेंगे आपको वैल्यू ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएंगी, क्या करना है क्वेश्चन में ये भी पता लग जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल दिया है, तो इस पॉलिनोमियल को करना ये है, एक फॉर्म में बना लीजिए, आप फॉर्म में बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, ये आपने बना लिया और ये एक पॉलिनोमियल आपको बन गया पी एक्स, क्या है ये पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, तो ओके पी एक्स जब आपको मिला तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, यहाँ से माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा क्या पी प्लस सी, क्या मिलेगा पी प्लस सी, ओके। तो मैंने कंपेरिजन कराया, कंपेयरिंग बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, ये मैंने कंपेयरिंग कराया, तो ए इक्वल टू मुझे मिला वन, बी इक्वल टू जो मिला माइनस पी, और सी इक्वल टू जो मिला माइनस का पी प्लस सी, क्या मिला माइनस का पी प्लस सी, ओके, ये वैल्यू हमें मिली। जब ये वैल्यू इजीली हमें मिल गई है, तो यहाँ दो चीज़ें याद रखिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपने क्या किया, अल्फा बीटा आपने इसके ज़ीरो मान लिए हैं, तो मैंने क्या किया कि अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज, मैंने यहाँ लिखा अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज, क्या माना अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज, ये ज़ीरोज मान लिए, तो सम ऑफ ज़ीरो मैंने लगाया यहाँ पर, सम ऑफ ज़ीरोज होता है अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर होता है क्या होता है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा होता है माइनस का पी माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी अपॉन ए लगाया, तो माइनस का बी है हमारे पास माइनस पी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए है हमारे पास वन, तो यानी कि पी, अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू मिली, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिली वो मिली पी, क्या मिली वो मिली पी, और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो है सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू है माइनस पी प्लस सी, ये है ओके, और यहाँ पर है ए, ए यानी कि वन, तो ये वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यू मिली यहाँ पर, ओके बेटा यहाँ से ये तो हो गया। बट बेटा अब हमने क्या किया है, अब जो रिज़ल्ट हमारे पास है यानी ये हमें प्रूव करके देना है, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास प्रूविंग रिजल्ट है मैंने उसका कर लिया टेकिंग एल एच एस, क्या कर लिया टेकिंग एल एच एस, उसमें से लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है, टेकिंग जब एल एच एस को लूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड है अल्फ़ा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन, ओके, और रिजल्ट लाना है वन माइनस सी, तो मैंने क्या किया अल्फ़ा का मल्टीप्लाई बीटा के साथ किया तो अल्फ़ा बीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो अल्फ़ा एंड बीटा एंड प्लस वन, तो ये रिजल्ट मिला। अब जब ये रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी आ ही गया है तो अल्फ़ा बीटा की हमारी वैल्यू ये रही, यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा सकते हैं, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने लगाया तो माइनस पी माइनस सी, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगाया
तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू लगाएंगे, इसकी वैल्यू जो लगाएंगे हमें मिलेगा प्लस का पी, ओके, और यहाँ पर वन, तो पी से पी कैंसिल आउट और जो रिजल्ट आया आपके पास वन माइनस सी, और यही हमें प्रूव करना था, क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, और क्वेश्चन हो गया, ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया। तीन नंबर का क्वेश्चन आता है भैया, आराम से कभी भी आप कर सकते हैं और मार्क्स उठा सकते हैं, और फिर भी नहीं उठा पाओ तो एज योर वेस, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एट है, बड़ा ही अट्रैक्टिवल क्वेश्चन है। देखें, इफ़ द 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके, ये दे रखा है, और रेसिप्रोकल, यानी कि एक जो पॉलिनोमियल का जो जीरो है उसका दूसरा जो है उसका रेसिप्रोकल है, एंड वो ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा बहुत टफ, तो यहाँ पर क्या करना है, वही मैंने बताया था, जब भी पॉलिनोमियल दिया जाए आपको कंपैरिजन करना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल आंसर आपको मिलेगा सेकंडों में। देखें, कंपेयरिंग करेंगे बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, प्लस सी, जब आप कंपेरिजन करेंगे तो a इक्वल टू मिलेगा a प्लस फाइव, ओके, तो मैं यहाँ a की जगह मैं कैपिटल a कर ले रहा हूँ, क्या कर ले रहा हूँ, कैपिटल a कर ले रहा हूँ, a की जगह मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा a प्लस फाइव, ओके, b की जगह आप बात करेंगे, b की करेंगे a प्लस फाइव, ओके, b की बात करेंगे b, तो b की जगह मिलेगा आपको 13, और C की जगह जो मिलेगा वो मिलेगा 6A। ये सारे के सारे कैपिटल हैं, वो मैंने इस वजह से लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन में A का यूज़ किया गया है, और वो भी स्मॉल A, तो स्मॉल A हम नहीं ले सकते, हमने कैपिटल A कर लिया है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर ये कंडीशन मिली है, अब उसने ये कहा कि आप अगर जीरोज, एक जीरो अगर अल्फ़ा ले रहे हैं तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी 1/अल्फ़ा होगा, तो देख लेते हैं। तो लेट, मैंने यहाँ पर कहा लेट मीन्स माना, ओके, माना कि इसका 1 0 1 0 ऑफ पी एक्स इज अल्फा, क्या मान लिया, अल्फा, एंड सेकेंड जीरो क्या हो जाएगा फिर इसका, भाई सेकेंड जीरो हो जाएगा, सेकेंड जीरो ऑफ पी एक्स, तो वो हो जाएगा 1/अल्फा, क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। तो अब देखिए, जब एक मिला अल्फा, दूसरा मिला 1/अल्फा, तो देख लीजिए सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है 1/अल्फा प्लस अल्फा, ओके, अल्फा, तो ये होता है सम ऑफ जीरो, क्या होता है, सम ऑफ जीरो, ये तो सम ऑफ जीरो हो गया। यहां पर आएगा माइनस का b अपॉन a, तो माइनस का b अपॉन a, तो a, माइनस b की वैल्यू है 13 और ए की जो वैल्यू है वो है ए प्लस फाइव। बट बेटा यही गलती आपको नहीं करना है, सम ऑफ जीरो आपको नहीं लगाना है जब भी ए की वैल्यू पूछेगा, आपको लगाना क्या है, देखो क्यों नहीं लगाना है इसका रीजन बताऊंगा। सम ऑफ जीरो में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और लॉन्ग पड़ेगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। यहाँ आपको करना ये है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाना है, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाना है। देखिए कैसे, देखो अल्फा इंटू 1/अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए, क्या होता है, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू जो है वो है अल्फा इंटू 1/अल्फा, यहाँ पर क्या है, सॉरी 1/अल्फा, यहाँ पर आपकी है 1/अल्फा, तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है 6a, और यहाँ पर a की वैल्यू है a प्लस फाइव। करना यह है, a से अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट होगा और 1 रिजल्ट आपको यहाँ मिलेगा, और जब 1 रिजल्ट मिलेगा तो आपकी बात बन गई। और ये देखिए यहाँ पर किया मैंने a प्लस फाइव इक्वल टू 6a, और जब मैंने इसको किया इस साइड तो 5 इक्वल टू 6a माइनस a, 5 इक्वल टू 5a, a 5 से 5 कैंसिल, तो यानी कि a की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 1, इसलिए मैंने बोला था कि आपको सम ऑफ जीरो नहीं लगाना है जब भी आपको a वैल्यू पूछ रहा है, a की वैल्यू पूछ रहा है और आपको वैल्यू दी गई है, तो आपको सम ऑफ जीरो नहीं यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या यूज़ करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सेकंड में आंसर देगा, और नहीं दे तो हमसे बात करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट में मैंने कराया था, सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप सेल्फ करेंगे भाई, सेल्फ करेंगे, और नहीं होता है तो आप हमसे
कमेंट करेंगे, फिर हम आपको आंसर बताएंगे। ओके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, देखें बस इसे आप करते हैं। देखिए सेकंडों में आप भी मेरे साथ करिएगा, देखते हैं कौन पहले करता है। अल्फा एंड द बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है जीरो, यानी कि सबसे पहले कंपैरिजन कराऊंगा मैं भाई, मैं तो कंपैरिजन कराने वाला हूँ। कंपैरिजन कराया तो कंपेयरिंग, ओके कंपेयरिंग बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, किससे कंपेयर कराया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू मिली आपको यहाँ पर वन, ए की वैल्यू यहाँ पर आपको मिली क्या वन, और बी की वैल्यू जो मिलेगी आपको मिली माइनस टू, सी की वैल्यू जो मिली आपको वो थ्री। क्या मिला, सी की वैल्यू जो मिली वो थ्री। अब सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो यानी कि माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी यानी कि माइनस का टू अपॉन ए यानी कि वन, तो यानी टू मिला। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टू, एंड अल्फा प्रोडक्ट की बात करूँगा सी अपॉन ए, क्या सी अपॉन ए, तो यहाँ पर सी अपॉन ए इसमें वैल्यू लगाएंगे, सी की वैल्यू क्या है आपके पास थ्री, ए की वैल्यू क्या है आपके पास वन। इट मीन्स क्या है कि अल्फा बीटा की वैल्यू जो आई वो आई थ्री, क्या वैल्यू आ गई थ्री। ओके ये थ्री वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आपके पास मिल चुकी हैं। अब जो रिजल्ट दिया गया है उस रिजल्ट की वैल्यू आप बता दीजिए। अब जो रिजल्ट दिया गया है उस रिजल्ट की वैल्यू क्या है, देखें अल्फा प्लस टू ये है और यहाँ पर बीटा प्लस टू ये दिया गया है। देखो ये दिया गया है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हम कर चुके हैं ये मुझे पता है, क्योंकि इसने ये क्वेश्चन हम पढ़ ही नहीं पाए। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के जीरोस ये दोनों हैं, ये बताइए वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा जिसके ये दो जीरो हैं। कोई बात नहीं, तो देख लेते हैं। जब ये दोनों जीरोज उसके दे रखे हैं तो सम ऑफ जीरो इन दोनों का निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा है ना प्लस फोर, तो ये आ गया सम ऑफ जीरो इनका। तो सम ऑफ जीरो की बात करेंगे तो यहाँ से सम ऑफ जीरो का वैल्यू लगाएंगे, कोई मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन सही है, वो हमारे समझने में अंडरस्टैंडिंग में हो गया है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा तो टू प्लस फोर इक्वल टू सिक्स, यानी सम ऑफ जीरो आया आपका सिक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करूँगा तो दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी बीटा प्लस टू, तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी अल्फ़ा बीटा यहाँ मिलेगा टू अल्फ़ा प्लस टू बीटा प्लस फोर, ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने किया अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो है थ्री, तो पहले थ्री रखूँगा और यहाँ से टू कॉमन लूँगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा, यहाँ पर मिलेगा फोर। ओके यहाँ हो गया थ्री और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी टू, टू टू या फोर एंड प्लस फोर, क्या आ गया फोर एंड फोर, तो ये आ गया एट एंड इलेवन। तो सम ऑफ जीरो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो आया इलेवन एंड सम ऑफ जीरो आया सिक्स, एंड फॉर्मूले में रखेंगे तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आया सम ऑफ जीरो आपका सिक्स, सिक्स एक्स माइनस क्या आएगा इलेवन, तो ये आ गया आपका इलेवन। यहाँ पर माइनस यूज़ होता है भाई, यहाँ पर माइनस यूज़ होता है, तो आप यहाँ पर माइनस कर लेंगे, डोंट माइंड, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आप यूज़ कर लेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको आप ईजिली करेंगे, देख लेते हैं। देखिए अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले कंपेयरिंग, ओके कंपेयरिंग देखेंगे, कंपेयरिंग देखेंगे तो आपको इसमें यहाँ पर मिलेगा ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू माइनस फोर एंड सी इक्वल टू फाइव। सेकेंडों में करेंगे सर, दोनों वैल्यू मिली। अब आपको क्या है, मैंने यहाँ पर लेट किया, लेट करने पर क्या किया, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, क्या जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी पी एक्स के जीरोज मैंने ने मान लिया, तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा होता है, ओके सी, तो यानी फोर अपॉन टू यानी कि टू, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो टू मिलेगी, क्या मिलेगी टू। ओके प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अल्फा बीटा ये होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा बीटा की बात की तो यहाँ सी है हमारे पास फाइव और ए है हमारे पास टू, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास मिल चुके हैं। जब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको इसको वैल्यू मिल जाएगी। ओके, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखें, नाउ स्क्वायरिंग करता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इधर किया 2 का स्क्वायर। जब मैंने इसको ओपन किया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 4, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो 5/2। ओके, इक्वल टू 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 4 - 5 इक्वल टू -1, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1। क्या है, -1। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्या, कि नेक्स्ट जो बोला है इसका होल स्क्वायर का क्या होगा वैल्यू, होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। और जब मैं होल स्क्वायर की वैल्यू करूँगा, माइनस की वैल्यू बताऊँगा आपको कि माइनस की वैल्यू क्या है, तो इसका आंसर कैसे होगा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल रही है क्या, अल्फा स्क्वायर, तो मैं यही कर देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। मैंने दोनों साइड इसके -2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर भी अल्फा बीटा ऐड कर दिया है। ओके, -2 अल्फा बीटा मैंने ऐड कर दिए हैं। जब मैं यहाँ पर -2 अल्फा बीटा ऐड करूँगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और यहाँ पर जो वैल्यू है -2 अल्फा बीटा की वो है 5.2, यानी कि माइनस का 5 ही आएगा, तो 1 - 5 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये होता है -6, तो ये इसकी वैल्यू जो आई वो ये आ गई। ओके, इस तरीके से आप दोनों के आंसर निकाल सकते हैं सेकेंडों में। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे, जो कि आपके सेकेंड चैप्टर के हैं पॉलीनोमियल्स के, जो कि 10th क्लास के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं आपका स्कोर कितना जा रहा है। अगर कोई मिस्टेक लगती है आपको, या कोई कंटेंट में कोई कमी लगती है, और कोई सजेशन है हमारे लिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। नेक्स्ट सेशन नया नया सेटअप है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी आपको एडजस्टमेंट करना होगा, कोई नहीं, फिर देखते हैं। आज की क्लास यहीं ऑफ होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।